हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स सेंटर में। दोस्तों, आप सभी के लिए या तो बड़े हैं या तो छोटे हैं, ये सभी के पर्पस से हम वीडियो बना रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपके साथ सभी के साथ ये दिक्कत होती है, समस्या होती है। कौन सी समस्या भाई? तो हर व्यक्ति सोचता है कि हम थोड़ा निकाल कर जानते हैं कि मैं कितना वर्ष, कितना माह और कितना दिन का हो गया हूं। तो चलिए यहां से देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आप जिस दिन जन्म लिए उस दिन से आज तक आप कितना वर्ष, कितना माह और कितना दिन का है, यहां से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये एज से संबंधित हम लोग वीडियो दो बनाएंगे। पहला तो आपका टाइप वाइज रहेगा, टाइप नंबर वन, टाइप नंबर टू, टाइप नंबर थ्री, ठीक है। और एक जो वीडियो बनाएंगे वो मिसलेनियस रहेगा, या तो जब दिन से दिन घटाते हैं तो घटेगा नहीं उस स्थिति में, या तो मंथ अगर छोटा है और फिर मंथ से घटाना है तो फिर दिक्कत होता है, तो ये वीडियो आपका मिसलेनियस होगा, दूसरा वीडियो ये होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो नंबर वन स्टार्ट करो टाइप नंबर वन से। देखिए, टाइप नंबर वन से पहला अगर क्वेश्चन पूछता है, अगर आपका पहला समस्या है कि मान लेते हैं कि आपका जन्म पहले तो यहां से क्वेश्चन नंबर वन के लिए यहां से लिखते हैं दिन, पहले आपको दिन लिखना होगा, ठीक है। यहां से पहले दूसरी माह लिखना होगा और तीसरा आपको वर्ष लिखना होगा, ठीक है। पहले ऊपर आपको रखना है कि आज, मतलब कि जिस दिन हम लोग निकालेंगे वो आज का दिन रखना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि जिस दिन हम वीडियो बना रहे हैं आज आपका 16 तारीख 11वां महीना और 2000 कितना है भाई, 2020 चल रहा है। आज जो दिन है 16 तारीख 11वां महीना 2020, ठीक है। मेरा सपोज दैट, मान लीजिए कि मेरा जन्म जो हो रहा है ना, मेरा जन्म होगा 10/7/2003 को। मान लीजिए सपोज दैट कि 10/7वां महीना और 2003 को जन्म हुआ है। जन्म किस दिन में, किस दिन हुआ है? तो मेरा जन्म 10/7/2003 को हुआ है। तो यहां से निकाल सकते हैं कि हम कितना वर्ष, कितना माह और कितना दिन का होंगे। देखिए, पहले वर्ष को नहीं घटाया जाता है, ठीक है। आप पहले दिन से घटा सकते हैं। तो यहां से बताइए कि दिन कितना है भाई, आज का डेट 16 है तो 16 में से 10 का कितना, 6 हो जाएगा, इसका मतलब कि 6 दिन। और यहां से 11 में से 7 का कितना, तो 11 में से 7 का 7 और यहां से 4 हो जाएगा। और यहां से डायरेक्ट घटा सकते हैं, यहां से 10 मिले 7, 3 गया कितना 7, और ये हो गया 1, और ये हो गया 0, और ये हो गया 0। तो अभी मेरा उम्र कितना, 17 वर्ष 4 माह और ये 6 दिन, ऐसे घटाया जाता है। पहले आप क्या ले लीजिएगा ऊपर, तो आज का डेट रख लीजिएगा, आज का ये किस, कौन सा महीना चल रहा है और कौन सा ईयर चल रहा है ऊपर रखना है। और नीचे जिस दिन आपका जन्म हुआ था, तो मेरा जन्म 10/7/2003 को हुआ था, तो वहां ऊपर में से नीचे को घटा दिए, तो देखिए ना डायरेक्ट घट गया। इसका मतलब ये तो घटाना सभी का आता है, लेकिन आपको पता नहीं कि वो पहले वर्ष घटेगा या तो दिन घटेगा। तो पहले इस एज निकालने के लिए दिन को घटा जाता है, इसके बाद माह को घटाया जाता है, इसके बाद लास्ट में आपको ईयर को घटाया जाता है। तो हम कितना वर्ष के, 17 वर्ष 4 माह और कितना दिन का हो गया, 6 दिन का हो गया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन इस पे और कर लिया जाए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। मान लेते हैं कि अभी, मतलब आज का डेट 10/12/2020 है, आज जो दिन है 10/12/2020, तो मेरा डेट ऑफ बर्थ है कि 4/6/2000, मान लेते हैं यहां से 7 है। मेरा जो जन्म हुआ था 4/6/2007 में, तो आज के डेट में से हम लोग पूर्व जिस दिन जन्म का हुआ था उस दिन का डेट घटाएंगे, तो यहां से कितना 0/6/6 दिन, ये तो 6 दिन हुआ, यहां से घटाएंगे तो 0/6 हो जाएगा 6वां महीना, और यहां से 10 मिले 7 के कितना 3, और यहां से 1 हुआ, ये हुआ 0, ये हुआ 0, तो कितना साल भाई, 13 वर्ष 6 माह और 6 दिन। देख रहे हैं कितना इजी है ये क्वेश्चन। डेट ऑफ बर्थ सभी लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, निकालने की कोशिश कीजिएगा। और चलते हैं टाइप नंबर टू, ये तो इजी था, आप लोग डायरेक्ट घटा दिए, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टाइप नंबर टू में कौन सी समस्या आ सकती है आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है।
चलिए टाइप नंबर टू का पहला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन पहला नंबर आपका टाइप नंबर टू से अगर कहेगा कि आप निकालिए तो अभी का अभी कितना डेट हो रहा है, तो आज जिस दिन वीडियो बना रहे हैं हम किस कौन सा दिन है भाई, तो 16/11/2000 आज कितना है 20 चल रहा है। अब यहां से मान लेते हैं कि सपोज दैट मेरा जन्मदिन 22/5/1997 का है, मेरा जन्म 22 मतलब कि ये 22 पांचवा महीना और 1900 कितना 97 का है, ठीक है सॉरी यहां से 97 का है तो यहां से घटा सकते हैं। तो अब आपकी समस्या उत्पन्न होने लगी, ये से ये कौन सा टाइप है, टाइप नंबर टू। टाइप नंबर वन में तो कोई समस्या नहीं था, डायरेक्ट घटा रहे थे, लेकिन टाइप नंबर टू में फर्स्ट क्वेश्चन में समस्या आने लगी। देखिए ना, दिन में से घटाना है तो 16 में से आप 22 घटा सकते हैं नहीं ना, तो देखिए यहां से जब घटा नहीं सकते हैं तो ये माह जो है ना 11 माह एक माह से एक माह इसमें से हासिल लीजिएगा, तो ये तो एक माह देगा, लेकिन यहां से दिन में कन्वर्ट करना है माह को, तो एक माह इससे ले लिए तो 30 दिन हो गया। 30 दिन और 16 दिन कितना होता है 30, यहां से एक माह आप ले लिए, एक मंथ ले लिए ना भाई, तो 30 और 16 कितना होता है, तो 30 और 10 40 और 4 कितना बोलिए 46, और 46 में से यहां से घटाएंगे तो कितना बचा, यहां से 24 दिन बचा, और 24 दिन और यहां से बताइए एक माह ये दे दिया तो कितना माह बचा, 10 माह बचा ना, और 10 में से 5 गया कितना 5 माह बचा, और यहां से डायरेक्ट घटा दीजिएगा, इसलिए कि ये वर्ष नहीं दिया है तो डायरेक्ट ये 2020 में से 1997 में घटा दीजिए, तो 10 में से 7 गया कितना 3, और ये हो गया 11, और 11 में से 9 गया कितना 2, और ये हो गया 0, ये हो गया 0, तो हम कह सकते हैं कि अभी मेरा उम्र 23 वर्ष 5 माह और कितना दिन का 24 दिन का हो चुके हैं, ठीक है। चलिए इस पे एक और क्वेश्चन कर लीजिए ताकि हम लोग रिवीजन कर देंगे, लेकिन एक क्वेश्चन ये वीडियो देखने के बाद आपको एक क्वेश्चन इसी तरह लेना है और वहां से आपको कैलकुलेशन करके घटाना है क्या मेरे को घटाने आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर सपोज दैट मान लीजिए कि आज जो दिन है वो दिन है 18/11/2020, आज कौन सा है 18/11/2000 कौन सा है भाई 18/11/2020 है, ठीक है। लेकिन मेरा जन्म कब हुआ तो आपको बता रहे हैं यहां से, सपोज दैट मान लीजिए कि मेरा जन्म 30 तारीख को हुआ और चौथा महीना को हुआ और 2000 कितना 2006 को हुआ, ठीक है। आज का डेट ऊपर रखेंगे और नीचे वाला क्या रखेंगे, जिस दिन जन्म हुआ है उस दिन का डेट रखेंगे, तो यहां से घटाइए, क्या 18 से आप 30 घटा सकते हैं, कभी नहीं ना, जब नहीं घटा सकते हैं, जब घटेगा ही नहीं, तो ये 11 माह है, 11 माह को आप एक माह दे दीजिए तो 18 और 30 कितना होता है, एक माह लिए तो 30 दिन में कन्वर्ट हो गया, तो 30 और 18 कितना होता है, कितना होता है तो 48 होता है, और 48 में से इसको 30 को घटा दीजिए तो ये 8 हुआ, और यहां से 4 में से 3 गया कितना 1, 18 दिन हो गया, और यहां से देखिए एक मंथ इसको दिए हैं तो ये कितना मंथ बचा 10 माह, अब 10 माह में से 4 माह कितना हो गया 6 माह, और यहां से घटा दीजिए तो 10 में ले 4 6 हो गया कितना होता है 4 होता है, और ये कितना हो गया 1, और ये 0 और ये 0, बताइए कितना वर्ष कितना माह का हो गए, तो 14 वर्ष 6 माह और 18 दिन। देखिए कोई समस्या नहीं है, अगर आपको दिन घट नहीं रहा है तो एक माह आप ले लीजिए हासिल, अगर महीना घट नहीं रहा है तो वर्ष में से आप एक वर्ष लीजिएगा तो एक वर्ष लीजिए तो 12 माह में कन्वर्ट होगा, और वो माह को जोड़ दीजिए तो ठीक है। ये वीडियो आप लोग के बहुत अच्छा मन पसंद बनाए हैं, और ये वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और दूसरा जो वीडियो है एज से संबंधित निकालने के लिए वो दूसरा मिसलेनियस वीडियो लेकर आएगा।